नमस्कार, मैं राहुल रावत, एपीएस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पहली खबर है वो अंधोप गांव से है। अंधोप गांव में जो नालियों की हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। नालियों में कीचड़ भरा पड़ा है, नाली बंद हुई पड़ी हैं, उनमें कोई सफाई का आलम नहीं है। ना तो सरपंच कोई ध्यान दे रहा है, ना कोई मेंबर ध्यान दे रहा है, और ना ही कोई सफाई कर्मचारी ध्यान दे रहा है। इस सभी को देखते हुए एक युवा जो लड़का था, एक नीरज कुमार लड़का है युवा, उसने सफाई की है गलियों की, नालियों की। उसमें आपको एक छोटी सी क्लिप के द्वारा दिखाना चाहते हैं किस तरह से वो लड़का मेहनत कर रहा है। लेकिन मैंने उससे ये भी कहा कि आप हमारे चैनल पे आइए और बताइए लोगों को सफाई नहीं हो रही। वो चैनल पे आने से तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसने कहा कि कोई भी कर्मचारी सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई सरपंच ध्यान दे रहा है और ना ही कोई मेंबर ध्यान दे रहा है। अगली खबर पलवल से है। अलग अलग हादसों में दो लोगों ने दम तोड़ा। नेशनल हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना में दो आम लोगों की मौत हो गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है। नेशनल हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो आम लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। अलावलपुर गांव निवासी दिगंबर ने गदपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वह NIT फरीदाबाद नंबर 5 स्थित बिजली विभाग में LM के पद पर कार्यरत है। उनके साथ अलीका गांव निवासी भूपेंद्र भी काम करता था। 8 जुलाई की रात वह और भूपेंद्र बाइक से फरीदाबाद से पलवल आ रहे थे। पिरतला फ्लाईओवर से थोड़ा पहले तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया और उन्हें सिविल अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में भूपेंद्र की मौत हो गई। शहर में दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। नीलम चौक, लखानी व बल्लमगढ़ मेट्रो स्टेशन, थाना सराय व CHC तिगांव के पास बच के निकलना, ये स्थान है खतरनाक। शहर में एक वर्ष के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्ट का पुलिस ने अध्ययन किया है। इसमें हादसे के लिए जो कारण सामने आए हैं उनमें नीलम चौक न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप में दुर्घटना का मुख्य कारण विपरीत दिशा में वाहन चलाना है। लखानी मेट्रो स्टेशन के पास ऑटो के कारण वह पानी इकट्ठा होना, बल्लमगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास रेड लाइट का न होना, थाना सराय के पास पानी का भराव होना, CSC तिगांव में सड़क खराब होना तथा ट्रैफिक व्यवस्था आदि हैं। अब इन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस कमिश्नर OP सिंह ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा है शहर में दुर्घटना संबंधित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां सबसे अधिक रोड। अगली खबर पलवल से ही है। लूटपाट का मामला सामने आया है। KMP एक्सप्रेस वे पर कंटेनर चालक और परिचालक को कार सवारों ने लूटा। KMP एक्सप्रेस वे पर कंटेनर चालक परिचालक से कार सवार तीन युवकों ने कैश लूट लिया। पुलिस ने चालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और अज्ञात लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच अधिकारी इमरोज के अनुसार यूपी के एटा जिले के अमृतपुर गांव निवासी मनोज कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है कि वे कंटेनर चलाते हैं। उसके साथ कासगंज जिले के नवादा गांव निवासी विपिन उसके परिचालक हैं। वह 8 जुलाई को कंटेनर को झज्जर से लेकर यूपी के नमोद ले जा रहे थे। जब KMP एक्सप्रेस वे पर हतीन के समीप पहुंचे तो कार सवार तीन युवकों ने रोक लिया। कंटेनर रुकते ही तीन युवक कंटेनर के अंदर चढ़े और स्वापी से उनका मुंह बांध दिया। उसके बाद उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम। अगली खबर पलवल से है। टूटी और कीचड़ युक्त सड़कों को गुजरने को लोग मजबूर हैं। नगर परिषद क्षेत्र में पिछले लंबे समय से चल रही अमृत योजना के तहत पीने के पानी की लाइन व सीवर बिछाने का कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसी वजह से जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिनमें हर समय कीचड़ भरी रहती है। ऐसे में लोगों का पैदल चलना तक दुश्वार हो गया है। वहीं बार बार शिकायत के बाद भी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समस्या को लेकर कई बार क्षेत्र के लोग वार्ड पार्षद सहित नगर आयुक्त के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और ज्ञापन भी उन्हें सौंप चुके हैं। इसके बावजूद सड़कें नहीं बनाई गई है। वार्ड 4 निवासी विजय व हरी सिंह का कहना है कि उनके वार्ड में सड़कों और पानी की निकासी की बदहाली से सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। जो रास्ते पक्के हैं उन्हें अमृत योजना के तहत डाली जा रही सीवर व पीने की पानी की पाइपलाइन की वजह से पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, जिसके चलते लोगों का निकलना तक दुश्वार हो। अगली खबर सोलर स्टॉर्म से संबंधित है। 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा सौर तूफान रविवार या सोमवार को धरती से टकराने का खतरा हो सकता है। 16 लाख किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा सौर तूफान रविवार या सोमवार को किसी भी समय धरती से टकराने की संभावना बताई गई है। सौर तूफान के कारण धरती का बाहरी वायुमंडल गर्मा सकता है, जिसका सीधा असर सैटेलाइट पर हो सकता है। इससे GPS नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट TV में रुकावट पैदा हो सकती है।
सूरज की सतह से पैदा हुआ शक्तिशाली सौर तूफान 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। यह सौर तूफान रविवार या सोमवार को किसी भी समय पृथ्वी की सतह से टकराने की संभावना बताई गई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस तूफान के कारण सैटेलाइट सिग्नलों में बाधा आ सकती है, विमानों की उड़ान, रेडियो सिग्नल, कम्युनिकेशन और मौसम पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। ध्रुवों पर इसके कारण रात में तेज रोशनी दिखाई दे सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, 1989 में आ चुका है सौर तूफान। वर्ष 1989 में आए सौर तूफान की वजह से कनाडा के क्यूबेक शहर में 12 घंटे के लिए बिजली गुल हो गई थी और लाखों लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा था। इसी तरह से वर्ष 1859 में आए सबसे चर्चित और शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक तूफान ने यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ नेटवर्क को तबाह कर दिया था। इस दौरान कुछ ऑपरेटर्स ने बताया कि उन्हें इलेक्ट्रिक झटका लगा है, जबकि कुछ अन्य ने बताया कि वे बिना बैटरी के अपने उपकरणों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। नॉर्दर्न लाइट्स इतनी तेज थी कि पूरे पश्चिमोत्तर अमेरिका में रात के समय लोग अखबार पढ़ने में सक्षम हो गए थे। अगली खबर एसएससी से संबंधित है। केंद्र सरकार अभी सभी प्रमुख भर्तियों के लिए एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए कॉमन परीक्षा का आयोजन करेगी, जिसका नाम रखा गया है एनआरए सेट 2021। इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर कार्ड के आधार पर एसएससी, बैंक और रेलवे में अगले फेज की परीक्षा लेगी। सरकारी नौकरी को लेकर ज़्यादातर विद्यार्थी अब काफ़ी चिंतित रहते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब निकल जाती हैं तो उसकी भर्ती में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। इस प्रक्रिया के तहत आवेदन करने वाले कैंडिडेट का पैसा और समय दोनों ही बर्बाद होते हैं। उम्मीदवारों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। यह एक ऐसी परीक्षा है जिसके अंकों के आधार पर देश में खाली पड़े पदों पर जो रिक्तियाँ हैं वो भरी जाएंगी। सेट के माध्यम से सरकार सभी छात्रों का समय बचाना चाहती है। देश में कोरोना वायरस की वजह से सभी गवर्नमेंट जॉब की एग्जामिनेशन पर रोक लगा दी थी, ताकि किसी तरह लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके। लेकिन अब कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से परीक्षाओं में देरी होने के कारण हायरिंग प्रोसेस काफ़ी धीरे हो चुका है। अब इसी हायरिंग प्रोसेस में तेजी लाने के लिए सेट का आयोजन किया गया है, ताकि इसके माध्यम से देश में पड़े खाली पदों को जल्दी से जल्दी। जैसा कि आप सभी को पता है, गर्मी का मौसम है, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। आज मैं आपको एक हकीकत की कहानी दिखाने जा रहा हूं। एक मोर है, आपको देखिए, वीडियो भी आपके सामने चल रहा है, इसमें देखिए ये मोर किस तरह से पानी के लिए घूम रहा है। पहले एक बाल्टी रखी हुई है, उसमें जाके देखता है कि पानी है कि नहीं है, लेकिन दूसरी बाल्टी दूसरी तरफ रखी हुई है, उसमें पानी है, उसमें पानी पीता है। सभी दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है, ये पशु पक्षी जो भी हैं ये सब आप पर ही आधारित हैं, अपना थोड़ा सा समय निकालें, थोड़ा पानी बचाएं, छायादार वृक्ष के नीचे या अपनी छत पे किसी छाया के नीचे मटके में पानी जरूर रखें। ये पशु और जो पक्षी हैं ये आपके ऊपर ही आधारित हैं। आपको पता है कि आपके इलाके में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या के साथ साथ आप इनका भी ख्याल रखें, अपने आप का भी ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और चर्चित खबरों के साथ। तब तक इसी तरह चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।